हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं विक्रांत शर्मा। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक्सिस बैंक फ्री चार्ज प्लस क्रेडिट कार्ड के बारे में। फ्री चार्ज जो है वो एक्सिस बैंक का ही एक सब्सिडरी है, तो फ्री चार्ज के साथ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक ने इंट्रोड्यूस कर रखा है, जिसपे आपको 5% का कैशबैक मिलता है जब आप फ्री चार्ज पे स्पेंड करते हैं। और इतना ही नहीं, कैशबैक के ऊपर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलेंगे, कैशबैक भी, रिवॉर्ड पॉइंट्स भी, और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ इस कार्ड के बेनिफिट्स क्या है, अप्लाई कैसे करना है, कौन लोग एलिजिबल है, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो लास्ट तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। फ्री चार्ज प्लस क्रेडिट कार्ड जो हमें वर्चुअल फॉर्म में भी मिलता है और फिजिकल फॉर्म में भी मिलता है। अगर इस क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट के बारे में मैं आपको बताऊं, तो जैसे ही आपको कार्ड इशू होता है, इसके एक महीने के अंदर जब इस कार्ड से आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो इस पर आपको 350 रुपये की वैल्यू का एक वाउचर मिलता है बुक माई शो का, और 350 की वैल्यू का ही मिलता है ओला का। तो लगभग 700 रुपये की वैल्यू के जो वाउचर है आपको एज अ वेलकम बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड पर मिल जाते हैं। अगर बात करें इस क्रेडिट कार्ड के कैशबैक प्रोग्राम के बारे में, तो जब ये कार्ड आपके लिए अप्रूव्ड हो जाता है, तो जो आपका फ्री चार्ज ऐप है उसमें इसका डिजिटल कॉपी जो है वो ऐड हो जाता है, ठीक है। इसके बाद फ्री चार्ज ऐप पे जब आप बिल पेमेंट करते हैं अपने मोबाइल का, इलेक्ट्रिसिटी का और डीटीएच रिचार्ज करते हैं, तो इस पे आपको मिलता है 5% का स्ट्रेट कैशबैक। ये जो स्टेटमेंट आपका जनरेट होके आएगा उसमें 5% का जो कैशबैक आपको मिला है वो एडजस्ट होके मिलेगा, बाकी अदर कैटेगरीज पे 5% का कैशबैक नहीं मिलेगा, सिर्फ इन्हीं कैटेगरीज पे मिलेगा। और इसी के साथ जब आप अपने फ्री चार्ज प्लस क्रेडिट कार्ड से ओला पे, उबर पे, शटल पे और अदर जो कम्यूटर्स सर्विसेज अवेलेबल हैं उन पे स्पेंड करते हैं, चाहे डिजिटल कीजिए चाहे फिजिकल कार्ड से कीजिए, तो इस पे आपको अनलिमिटेड 2% का कैशबैक मिलता है। ध्यान रखिएगा, 5% वाला जो कैशबैक था वो भी अनलिमिटेड है, कोई लिमिट, कोई कैपिंग नहीं है। और 2% वाला जो ये स्पेंड है इसमें भी आपको अनलिमिटेड 2% का कैशबैक मिलेगा। एंड इसके बाद बाकी जितनी भी कैटेगरीज बचती हैं, चाहे आप ऑनलाइन स्पेंड कीजिए या फिर ऑफलाइन स्पेंड कीजिए, तो यहाँ पे आपको 1% का जो कैशबैक है वो मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस क्रेडिट कार्ड पे कैशबैक के साथ साथ आप एज रिवॉर्ड पॉइंट्स भी अर्न करते हैं। एज रिवॉर्ड सिस्टम ये जो है एक एक्सिस बैंक का रिवॉर्ड प्रोग्राम है, चाहे आप डेबिट कार्ड से स्पेंड करते हैं, क्रेडिट कार्ड से, तो इस पे आपको एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको कैशबैक के साथ एज रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलने वाले हैं। अगर आप 2000 रुपये से लेके 4999 रुपये तक स्पेंड करते हैं, तो इस पे आपको 100 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर आप 5000 रुपये से ज़्यादा स्पेंड करते हैं, तो इस पे आपको 250 रिवॉर्ड पॉइंट्स जो है इस क्रेडिट कार्ड के साथ मिल जाएंगे, चाहे आप फिजिकल कार्ड से इसको स्पेंड कीजिए या फिर डिजिटल कार्ड से, ये रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेंगे ही। अगर इस क्रेडिट कार्ड के ज्वाइनिंग और एनुअल फी के बारे में बताऊं, तो 350 रुपये का जो इसका ज्वाइनिंग और एनुअल फी है, बट अगर आप प्रीवियस ईयर में इस क्रेडिट कार्ड से 50,000 रुपये स्पेंड कर लेते हैं, तो इसमें आपको जो 350 रुपये का एनुअल फी है वो नहीं देना पड़ेगा, वो वेव ऑफ हो जाएगा। बड़ा एक रीजनेबल सा इसका प्राइस है, इसका जो एनुअल फी है, तो अगर आप 50,000 रुपये स्पेंड कर लेते हैं तो वो वेव ऑफ भी हो जाएगा। तो नो वरीज, इतना तो स्पेंड हो ही जाता है मिनिमम। अगर मैं आपको बताऊं कि इस क्रेडिट कार्ड के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये जो क्रेडिट कार्ड है ये इनविटेशन बेस्ड क्रेडिट कार्ड है। अगर आप फ्री चार्ज ऐप यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपको कभी ना कभी बैनर दिखेगा इस कार्ड को अप्लाई करने का। अगर नहीं दिख रहा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, जहाँ से आप जाके उस पर क्लिक करते हैं तो आपको रिडायरेक्ट करेगा फ्री चार्ज ऐप में, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो इन्विटेशन बेस्ड है, आप जब तक आपको इन्विटेशन नहीं मिलेगा इसको कहीं से आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको सिर्फ फ्री चार्ज ऐप से ही इसको अप्लाई करना होगा। अगर इस क्रेडिट कार्ड के फाइनेंशियल चार्जेस के बारे में मैं बताऊँ, तो 49.36% पर एनम का जो है इंटरेस्ट इस पे लगता है। दिस इज वेरी ह्यूज, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट लेते हैं एक्सिस बैंक वाले, तो ये एक अच्छा आइडिया कभी नहीं होगा कि आप अपने ड्यूज को पेंडिंग रखें और उस पर इंटरेस्ट लगने दें। अपने ड्यूज को हमेशा सेटल करके रखिए। अगर इस क्रेडिट कार्ड के बारे में मैं आपको अपना पर्सनल व्यू बताऊं, तो अगर आप फ्री चार्ज पे सिर्फ रिचार्ज करना चाहते हैं इस क्रेडिट कार्ड से, तो गुड है, अदरवाइज ये क्रेडिट कार्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे बेहतर एक्सिस एस जो क्रेडिट कार्ड है वो है, क्योंकि उसमें मिनिमम 2% का जो कैशबैक है अदर कैटेगरीज पे मिलता है, और 4% कैटेगरीज में भी काफ़ी अच्छे मर्चेंट्स हैं जिन पे 4% तक का कैशबैक मिल जाता है। तो इस क्रेडिट कार्ड में ना तो फ्यूल सरचार्ज का कोई ऑप्शन है, ना इसमें एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस है, इससे अच्छे अदर कार्ड्स हैं। अगर आप एक्सिस बैंक का ही लेना चाहते हैं तो कंसिडर कीजिए, फ्लिपकार्ट को कीजिए,
फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को या फिर एक्सिस एस को, अगर इनको अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके भी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। पर्सनली मुझे ये क्रेडिट कार्ड अच्छा नहीं लगा, जितना इसका हाइप है उतने अच्छे बेनिफिट्स नहीं है, बट स्टिल अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का आपके ऐप में तो प्लीज़ ले लीजिएगा, क्योंकि आप 3 महीने के बाद इस क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड कर सकते हैं एक्सिस एस में या फिर एक्सिस फ्लिपकार्ट में। आपको क्या करना होगा, सिर्फ कस्टमर केयर को कॉल करना होगा और कहना होगा कि आप इन दोनों में से कोई भी क्रेडिट कार्ड चाहते हैं, बस इतना सफिशिएंट है। वो आपकी रिक्वेस्ट लेंगे और 6-7 दिन के अंदर आपके घर पे कार्ड आ जाएगा, नो डॉक्यूमेंटेशन नथिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये कार्ड्स मिल सकते हैं। आई होप ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया है, वहाँ पर जाके आप अपने मन के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, आई एक्सपेक्ट कि सभी इस वीडियो को लाइक करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।